पर लेकर आए हुए हैं कुछ जरूरी सूचना। उससे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा कि एक काफी लंबा समय हो गया है हम लोगों ने यहाँ पर बातचीत नहीं की है और बहुत सारी चीजों की जो अनबॉक्सिंग और न्यूज है उनमें थोड़ा सा डिले हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं मैं व्यस्त था। तो लेकिन उस दौरान भी आप लोगों का जो प्यार मिला और जो सहयोग मिला उसके लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ उस चीज के लिए। तो आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया देश को और बताया कि कैसे जो नोवेल COVID-19 है उसके थ्रू जो हमारा देश है वो काफी सफर कर रहा है। 2 महीने से 130 करोड़ देशवासियों ने जो सहयोग दिया है वो काफी अतुलनीय है। और जैसा कि विश्व के दूसरे लोगों का जो आलोचक है उनका ऐसा कहना है कि भारत जो है वो यहाँ पर एक अगला बहुत बड़ा केंद्र होने वाला है। या तो इन चीजों को लेकर जो प्रधानमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया और हमसे जो सहयोग की अपेक्षा की है आज हम उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं क्योंकि ये काफी जरूरी है। हो सकता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे र्यूमर्स, बहुत सारी अफवाहें हैं जो लोग फैला रहे हैं और जिनके लिए इन चीजों का खंडन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो उन्होंने बात कही यहाँ पर कि वो है संयम और सुरक्षा। तो सबसे पहले संयम रखना है यहाँ पर कि आप दूसरों को छूने से बचें या दूसरों के टच में आने से बचें और अपना बाहर जो निकलने वाली जो बातें हैं कि आपको कहीं अगर बहुत जरूरी काम है तो ही आप अपने घर से बाहर निकलें, अन्यथा अपने घर से बाहर ना निकलें और संयम बनाए रखें। साथ ही अब यहाँ पर बात चल रही है सुरक्षा की, तो उन्होंने कहा सबसे पहले अपनी सुरक्षा, इसके बाद आपके साथ वाले की सुरक्षा। तो दोनों ही चीजों को मेंटेन रखना है। अगर कोई भी संक्रमित व्यक्ति है तो उससे दूरी बनाए रखें और जरूरी सूचनाएं दें। साथ ही साथ अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही वो है 22 मार्च को लेकर कि जनता कर्फ्यू। तो पूरे के पूरे भारत में यहाँ पर उन्होंने आह्वान किया है कि जनता कर्फ्यू लगाएं और ये जो जनता कर्फ्यू है उसके बारे में उन्होंने विश्लेषण भी यहाँ पर दिया है। इससे कोई डरने वाली या कोई ऐसी भयावह बातें यहाँ पर नहीं है, इसको समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने काफी आसान शब्दों में यहाँ पर कहा है जनता के लिए जनता द्वारा स्वयं पर लगाया हुआ कर्फ्यू। इसका मतलब ये कि आपको संयम रखना है 22 तारीख को और सुबह 7 से लेके 9 बजे तक का जो उन्होंने जो टाइम वहां पर अनाउंस किया है उस समय तक आपको पूरी तरह से घर से बाहर निकलना बंद करना है क्योंकि रविवार का समय है और रविवार के समय जो है भीड़भाड़ बहुत ज्यादा हो जाती है और उस समय जो हम जो सोशल डिस्टेंस की यहाँ पर बात करते हैं, एक दूसरे से जो डिस्टेंस की बात करते हैं वो बिल्कुल भी हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा जो कल्चर है उस कल्चर में हम जो मिलनसार संस्कृति के लोग हैं और जहां पर हम एक दूसरे से मिलना छुट्टियों के दिन बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो उसी समय यहाँ पर आह्वान किया है कि कृपया करके जनता कर्फ्यू लगाएं और अपने आप पर लगाएं जिससे कि आप दूसरे लोगों से मिलने से बचें और इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी इसका मतलब नहीं है। ये आपकी अपनी सुरक्षा के लिए और साथ ही साथ आपके परिवार की सुरक्षा के लिए और साथ ही साथ देश की सुरक्षा के लिए यहाँ पर उन्होंने आह्वान किया है। तो ये तो था जनता कर्फ्यू को लेकर। अगर आपको जनता कर्फ्यू को लेकर भी अभी कोई डाउट है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में उस डाउट को जो है अपने टाइप करिए, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और साथ ही उन्होंने एक आह्वान किया है यहाँ पर कि कृपया करके शाम को 5 बजे 22 तारीख को हम ऐसे लोग जिनके कारण हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, हमारी जो जिंदगी है वो बहुत आसानी से चल रही है, चाहे वो बहुत छोटे लेवल से बहुत बड़े लेवल तक के, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हों, चाहे वो डिलीवरी बॉयज हों, या फिर आपके आसपास सफाई कर्मी हों, या फिर आपको दूध सब्जी या जो भी जरूरी सामान देने वाले जिनसे आपकी जो जिंदगी है वो आसान बनती है, उनका जो है हौसला वर्धन जरूर करें और उनका आभार प्रकट करें। तो शाम को 5 बजे रविवार के समय अपने गेट, अपने चौकों पर वहां पर खड़े होकर, अपनी खिड़कियों पर खड़े होकर आप क्लैपिंग कर सकते हैं, आप कोई भी बैल बजा सकते हैं, आप उनका जो है हाथ जोड़कर अभिनंदन कर सकते हैं जिससे कि उनको एक बहुत अच्छा माहौल मिले और उनको ये चीज समझ में आए कि वो कितना अच्छा और कितना महान काम कर रहे हैं कि जो पूरा देश है उनके पूरे देश की जरूरत की चीजों को वो एक समय पर पूरा कर रहे हैं। नोवेल कोविड 19 की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये जो कोरोना वायरस है ये लोगों में टच होने पर, संक्रमण होने पर फैलता है, एक लोग से दूसरे से तीसरे लोगों पर यहाँ पर संक्रमित होता है। जो केसेस हमारे पास आते हैं वो केसेस मोस्टली ऐसे हैं कि जो है वो बाहर से आए हुए हैं और उनके थ्रू उनके परिवार वालों को या उनके टच में रहने वाले लोगों को यहाँ पर संक्रमण हुआ है। भारत सरकार ने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया है और साथ ही आप लोगों ने भी यहाँ पर काफी अच्छा काम किया है, इस चीज के लिए तहे दिल से हम आभारी हैं। और साथ ही साथ अब हमें अपनी सुरक्षा पर और ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि छुट्टी के समय हमें
लोगों के टच में आने से बचना है और अगर जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर ना निकलें। और साथ ही यहाँ पर एक जो और अफवाह यहाँ पर आ रही थी कि क्या देशबंदी और ऐसी चीजें होने वाली हैं, तो कतई नहीं। पीएमओ ऑफिस ने भी और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ पर मना किया है कि ऐसी कोई चीजें यहाँ पर नहीं होंगी। और साथ ही अगर ऐसी कोई अफवाहें हैं तो उनका खंडन करिए और दूसरे लोगों में उन अफवाहों को फैलाने से बचिए। तो अभी आज के लिए COVID-19 को लेकर हम सिर्फ इतनी ही बातें यहाँ पर करने वाले हैं। इस वीडियो को जितना हो सके स्प्रेड कीजिए, फैलाइए, एक दूसरे को शेयर करिए, जिससे कि लोगों के मन में जनता कर्फ्यू क्या है और उसका कैसे पालन करना है उसकी जानकारी जरूर मिले। तो फाइनली अब जनता कर्फ्यू को लेकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हमें अपनी सुरक्षा करनी है, संयम रखना है और घर से बाहर नहीं निकलना है। सिर्फ इतना ही सहयोग आपसे अपेक्षित है जिससे कि पूरा जो देश है वो COVID-19 से सुरक्षित रहे और COVID-19 की जो चेन है वो यहाँ से टूट जाए। वीडियो को शेयर करने के लिए नीचे दे हुआ है शेयर का बटन, वहां पे आप क्लिक करिए। व्हाट्सएप पर, आपके फेसबुक पर, आप कहीं पर भी उसको स्प्रेड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे हम जरूर सूचनाओं को आपके पास लेकर आते रहेंगे। और साथ ही साथ हमारे पास अभी लाइनअप है काफी सारे अनबॉक्सिंग्स और काफी सारे टेक न्यूज, वो भी आपको जल्दी ही आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए टेक के साथ। जय हिंद, जय भारत।